एग्जामल साइड मैप बिल्कुल एच टी एम एल साइड मैप की तरह ही है लेकिन ये डिफरेंट लैंग्वेज है तो एच टी एम एल बेसिकली वेब पेजेस बनाने के लिए यूज़ होती है जिसका मतलब हाइपर टेक्सट मार्कअप लैंग्वेज है लेकिन एग्जाम एल बेसिकली एक डिफरेंट लैंग्वेज है जो सिर्फ सर्च इंजन समझ सकते हैं दोनों का मकसद अल्टीमेटली सेम होता है आप चाहे एच टी एम एल साइड मैप बनाएँ चाहे आप एग्जामल साइड मैप बनाएं उसका मकसद वही होता है कि आप पूरी की पूरी वेबसाइट के जितने भी जूआरल्स हैं वो एक लिस्ट में रख दें ताकि जो भी सर्च इंजन गूगल या कोई और उसको क्रॉल करे उनको वो सर्च इंजन मिल जाए एग्जाम साइट मैप देखने में कुछ इस तरह से होते हैं अगर आप इस साइट मैप में गौर करें तो ये जो आपको एरर्स नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली आपकी यू आर एल्स ही हैं और ये पूरी जो है ना लिस्ट आपकी इस पर पड़ी हुई होगी एग्जाम में और एच टी एम एल में फ़र्क सिर्फ इतना है कि एच टी एम एल में आप एज अ वेब पेज गूगल को साइट मैप देते हैं यानी कि वो सिर्फ उसको वेब पेज के तौर पे ही लेता है आल दो वो साइट मैप है लेकिन है तो वो एक पेज ही ठीक है लेकिन एग्जामल में आप कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी उसको दे सकते हैं जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है फ्रीक्वेंसी कि आपके लिए कोई पेज कितना फ्रिक्वेंटली अपडेट होता है आप उसकी प्रायोरिटी सेट कर देते हैं ताकि गूगल उसको उस तरह से काउंट करे लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करता बल्कि ये कोई भी सर्च इंजन रिकमेंड नहीं करता कि आप इससे प्ले करें आपको बेसिकली सिंपली एक एग्जाम्पल साइट मैप अपलोड करके उसको अपनी वेबसाइट पर रखना होता है और बाद में आप उसको गूगल वेब मास्टर टूल्स बिंग वेब मास्टर टूल्स में भी ऐड कर सकते हैं गूगल वेब मास्टर टूल्स को बेसिकली गूगल सर्च कंसोल भी कहते हैं तो आप उन उनमें ये सबमिट कर सकते हैं लेकिन सवाल ये है कि इसको बनाया कैसे जाए सो so, अगर आप वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे प्लग मिल जाएंगे जो आपका वेबसाइट के जितने भी पेजस हैं सारे के सारे उन पेजेस के केजूल्स एग्जामल फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देंगे आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा आपको सिर्फ प्लग इंस्टॉल करना है वो आपको एक यूएर देगा उस यूएर पे सारे के सारे यूएरल्स ऑलरेडी आपके पड़े हुए होंगे तो वो एग्जामल की फाइल प्लग खुद क्रिएट करेगा लेकिन अगर आपकी वेबसाइट पे वर्ड प्लेस इंस्टॉल नहीं है तो आपको खुद से ये बनाना होता है आप इसके लिए कोई भी ऑनलाइन टूल यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे फ्री और बहुत सारे पेड टूल्स अवेलेबल हैं जो आपको एग्जामल साइट में बनाने की सहूलत देते हैं उनमें से मैं एक टूल को आपके सामने अभी एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको लिमिटेशन ना हो कि एग्ज़ाम्पल साइट में बनाना कैसे है लेकिन अगर आपके पास डेवलपर की सहूलत मौजूद है और अगर आप डेवलपर तक रसाई रखते हैं तो आप अपने डेवलपर से भी कह सकते हैं कि भाई मुझे एग्जाम्पल साइट मैप चाहिए या मुझे एस्टिमेटल साइट मैप चाहिए तो दोनों काम डेवलपर भी कर सकते हैं लेकिन ये दोनों काम आप भी कर सकते हैं सो so आइए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से एग्ज़ाम्पल फॉर्मेट में जो साइट मैप है वो कैसे क्रिएट होता है इसके लिए मैं एक वेबसाइट पे जाऊंगा और उस पर मैं एक अपनी ही वेबसाइट डालकर आपको एक डेमो दिखाऊंगा किस तरह से उसके सारे जो यूर हैं वो क्रॉल करेंगे और एक एक्जाम्बल फॉर्म में मुझे वो आउटपुट दे देंगे आइए देखते हैं मैं गूगल में जाऊँगा और वहाँ जाके एक्सएमएल साइट मैप जनरेटर लिखूँगा और सर्च कर लूँगा गूगल मुझे काफ़ी रिजल्ट्स दिखाएगा इसमें से आप जैसे कि मैंने पहले बताया कि काफ़ी टूल्स अवेलेबल हैं आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे फिलहाल मैं सबसे पहले जो रिज़ल्ट आ रहा है एग्जामल डैश साइट मैप्स डॉट कॉम मैं इसको ओपन करूँगा और मैं इधर से अपनी वेबसाइट का एक एग्ज़ामल साइट मैप क्रिएट करूँगा यहाँ पर जब आप इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो आपको ये बॉक्स नज़र आएगा यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट लिखनी है फिलहाल टेस्ट करने के लिए मैं अपनी ही वेबसाइट का नाम लिखूंगा जिसमें जिसका नाम डब्ल्यू यानी कि उस्मान है और उसका मैं यहाँ स्टार्ट प्रेस करूँगा तो वो क्या करेगा वो उसको रीड करेगा और वो मुझे ये भी बताएगा कि उसने कितने पेजेस स्कैन कर लिए हैं कितने पेजेस रहते हैं कितना टाइम गुजर चुका है और इस तरह से मतलब वो सारी चीज़ें बताएगा जैसे कि आपने देखा कि साइट एग्जाम्पल डैश साइट मैप डॉट कॉम ने मेरा एक साइड मैप जनरेट कर दिया है उसने मुझे यहाँ कुछ स्टैट्स दिए हैं कि वो तकरीबन ट्वेंटी नाइन सेकेंड उसको लगे और उसने फोर्टी वन पेज स्कैन किए हैं जिसमें से उन्नीस पेजेस उसने ऐड किए हैं और अभी भी कोई क्यू नहीं है और ये मेरी वेबसाइट का एक थर्मनल उसने जनरेट किया है जो जैसी उसको नज़र आ रही है लेकिन यहाँ पर एक जो नीला बटन है इस पर आप देखें कि ये व्यू साइट मैप डिटेल्स इस पर मैं क्लिक करूँगा तो बेसिकली वो मुझे एक और पेज पे ले जाएगा जहाँ पर मुझे वो ये बताएगा कि ये साइड मैप की डिटेल्स किस पेज के लिए हैं और वो मुझे बता रहा है कि आप नेक्स्ट क्या कर सकते हैं तो यहाँ पर मुझे वो एग्जाम्बल फाइल दे रहा है जो मैं जिसको क्लिक करूँगा तो वो एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी जो कि डॉट एग्जाम्बल फॉर्मेट में होगी इसको मैं क्लिक कर देता हूँ और आप जैसे कि देखेंगे एक फ़ाइल फ़ौरन से डाउनलोड हो गई है और इसको अभी हम बाद में ओपन करेंगे मैं आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके दिखा दूँ कि ये प्रीव्यू भी मुझे दिखा रहा है कि किस तरह से उसने मेरे ऊस्मान डॉट को के सारे जूल्स जिसमें सर्विसेज कैरियर ब्लॉग और मुख्तलि जो मैंने पोस्ट लिखी है वो सब दिखा रहा है वो उसमें ये लास्ट मॉडिफिकेशन की डेट भी बता रहा है कि वो कब लास्ट मॉडिफाई हुई थी और उसने ऑटोमेटिकली वो प्रायोरिटी ख़ुद सेट कर दी है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेज जो होम पेज है वो प्रायोरिटी वन है ये हाईएस्ट प्रायोरिटी है उसके बाद सर्विसेज का पेज यानी कि जितने भी पेजेस हैं वो सारे पॉइंट एट यानी कि वो एटी परसेंट प्रियोरिटी है उनकी और बाकी फिर जो पोस्ट हैं उनकी उससे कम प्रायोरिटी है अब ये प्रायोरिटी मैं नहीं चाहूँगा कि आप इसको चेंज करें लेकिन ये है कि आप बाई डिफ़ॉल्ट इसको ऐसे ही जाने दें तो कोई मसला नहीं होगा अब ये साइट मैप को मैं ओपन करता हूँ इसको ओपन करने के लिए मैं एक टूल यूज़ करूँगा जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो साइट मैप मेरी ड्राइव में आपको नजर आ रहा है इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन विद एक मैं टेक्स्ट एडिटर में इसको ओपन कर लेता हूँ और देखते हैं कि वो टेक्स्ट एडिटर में वो कैसा नज़र आता है जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे पास टेक्स्ट फॉर्मेट में ओपन हो गया है और ये वैसे ही बिल्कुल नज़र आ रहा है जैसे कि हमने पहले स्क्रीन देखे थे इसमें ऊपर ये एग्जामल लैंग्वेज की सारी कोडिंग है जिसमें वो मेटर डेटा साहब उन्होंने इन्फॉमेशन डाली हुई है लेकिन फिर आप देखेंगे नीचे यू का टैग ओपन हो रहा है और उसके नीचे मेरी लोकेशन है यानी कि यू खुद उसकी लोकेशन क्या है वो उसकी मैंशनड है उसके लास्ट मॉडिफाई कब हुआ था उसकी डेट मैंशनड है उसके साथ टाइम भी मैंशनड है और फिर ये कि उसकी प्रायोरिटी क्या है उसके बाद ज्यूअर का टैग क्लोज़ हो रहा है सो so, मेरा ये एक जूरल जिसकी लोकेशन लास्ट मॉडिफिकेशन टाइम और प्रायोरिटी डिसाइडेड है इसी तरह से आप देखेंगे सब जूल्स हैं और सब जूल्स की आप उनकी लोकेशन उनकी लास्ट मॉडिफिकेशन डेट और उनका उनकी प्रायोरिटी ऑटोमेटिकली डिफाइंड है आपको सिर्फ करना ये है कि आपको इसको अपनी वेबसाइट पे अपलोड करना है और वो जूअरल बाद में हम गूगल वेब मास्टर टूल इन गूगल सर्च कंसोल और बिंग वेब मास्टर टूल में हम ऐड कर सकते हैं अभी मैं आपको ये चीज़ दिखाता चलूँ कि मैंने चूँकि प्लग वर्ड प्लेस में अपनी वेबसाइट बनाई हुई है सो so वर्ड के प्लग इन से मैंने जो एक एग्जाम्पल साइट में क्रिएट किया है वो डिफरेंट थोड़ा सा नजर आएगा आपको लेकिन अल्टीमेटली वो काम यही करता है तो आपको मैं दिखा देता हूँ मैं अपनी वेबसाइट पे जाऊंगा स्लैश साइट मैप अंडर स्कोर इंडेक्स डॉट एक्स एम एल ये मेरी साइट मैप का एड्रेस है इसको मैं टाइप करके इसको मैं टाइप करके एंटर करूंगा तो वो मेरा साइट मैप ओपन कर देगा इस साइट मैप के लिए मैंने योस्ट एसी का प्लगइन यूज़ किया है और आप देख सकते हैं कि वो अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं उन्होंने बताया कि ये योस्ट एस ने क्रिएट किया है तो so इसमें क्या क्या नज़र आ रहा है बेसिकली इसमें पेज का साइट मैप है पोस्ट का साइट मैप है और कैटेगरी का साइट मैप है जैसे मैं पेज का साइड मैप ओपन करूँगा उसमें सारे पेजेस की लिस्ट आ जाएगी उनमें आपको इमेजेस भी नजर आ जाएंगे कि हर पेज पे कितने इमेजेस हैं और फिर उसकी मॉडिफिकेशन डेट क्या है अभी हर प्लगइन का अपना फॉर्मेट है जो का प्लग मैं रिकमेंड करूँगा ये बेहतरीन प्लग है एस के लिए भी और साइट मैप्स के लिए भी जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको एक टिपिकल रेगुलर एग्जाम्पल साइट मैप क्रिएट करने का भी तरीका बताया जो कि आप एक फ्री वेबसाइट से जाके क्रिएट कर सकते हैं और इसके अलावा अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे होस्टेड है तो मैंने आपको वो भी बता दिया कि अगर आप जोश का प्लगइन यूज़ करें तो उससे आप वर्डप्रेस पर भी एक प्लग आ, अपना साइट मैप क्रिएट कर सकते हैं एग्जाम्पल फॉर्मेट के अंदर और आपको मैंने दिखा भी दिया कि वो किस तरह से नज़र आता है हर प्लग अपना फॉर्मेट रखता है वो डिफ़रेंट हो सकता है ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा सिस्टम यूज़ कर रहे हैं आपकी आ, मतलब क्या रिसोर्स अवेलेबल हैं अगर वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा हैं तो शायद आपको मैनुअल साइट मैप क्रिएट करने में मसला हो तो पेजेस की तादाद देखनी बहुत ज़रूरी होती है अगर हज़ारों की तादाद में पेजेस हैं तो आपके लिए वो फ्री वर्जन शायद काम ना करे लेकिन अगेन ये आपने अपने क्लाइंट से डिस्कस करना है या अपनी वेबसाइट देखनी है कि किस वेबसाइट में आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर कौन से प्लगिज अवेलेबल हैं ताकि ये आपको मैनुअली ना करना पड़े ये आपको ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हो जाए इन शॉर्ट एग्जामल साइड में अब आप आपने बनाने ही हैं और उसके लिए अगर आप टूल्स यूज़ करें तो भी बेहतर है आप नहीं भी यूज़ करेंगे तो भी आप मैनुअली बना सकते हैं लेकिन हमें एग्जामल साइड में बनाकर गूगल सर्च कंसोल में और बिंग वेब मास्टर दोनों में ऐड करने होते हैं जिसपे हम मज़ीद बात बाद में करेंगे